प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की बस्तर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। पीएम मोदी ने कहा कि बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है कि गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है कि मैं जानता हूं।